सदैव से हमारी दृष्टि बल्लभगढ़ के राज सिंहासन और राजकुमारी से थी। और तो और महाराज, हम कभी नहीं चाहते थे कि युवराज ठीक हो जाए, परंतु जाने कहां से राजकुमारी जी दिव्य पुरुष की ओर युवराज का उपचार करके उन्हें जीवन दान दे दिया। और महाराज, ये राज सिंहासन हमारे हाथ से निकल गया। इसके पश्चात हमने सोचा महाराज के यदि हमारा विवाह राजकुमारी जी से हो जाएगा तो हम इस राज परिवार और सत्ता के समीप रहेंगे और धीरे धीरे इस पूरे राज्य में अपनी पकड़ सुनिश्चित कर लेंगे। और जब भी हमें अवसर प्राप्त होगा सत्ता पलटकर खुद राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। जी, आप सुन भी पा रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपकी स्वीकारोक्ति के नतीजे का अनुमान भी है आपको? श्यामा महाराज, जिससे कि ये अपने इस कुकर्म को सही सिद्ध करने का एक प्रयास कर सके। महाराज, महाराज इसी राजमहल में आपकी नाक के नीचे अपने प्रेम प्रसंग की सारी परिकाष्ठाएं पार कर दी। आप सोचिए महाराज, ये दोनों अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या नहीं कर सकते। महाराज जी, महाराज देखिए, सेनापति जी झूठ बोल रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। महाराज जी, मेरे और तारा का प्यार पवित्र है, बहुत सच्चा है। अब ये कहकर के उपचार के समय राजकुमारी जी ने हमें स्पर्श किया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था महाराज, हमने यह सत्य इसलिए कहा था कि आप विवश होकर हमारा और राजकुमारी जी का विवाह तय कर दें। सम्राट सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? जी महाराज, इतना ही नहीं, सदैव से हमारी दृष्टि राज सिंहासन